हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेथी का परांठा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये मेथी के पत्ते लिए हैं और ये लहसुन और धनिया लिया है। ये सब मेरे अपने खेत के हैं। ये एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्ची ली हैं। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 कली लहसुन की ली हैं। अब हमें लहसुन, मेथी और धनिया को बारीक बारीक काट कर तैयार करना है। तो इस तरह पहले मैं धनिया और लहसुन काटती हूँ, ऐसे बारीक बारीक ये सब काट लेना है। मेथी, धनिया और लहसुन के पत्ते मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब ये दो मिर्चियां भी इसमें बारीक बारीक काट लेनी है। और एक प्याज ऐसे बारीक बारीक काट लेना है। अब हमें अदरक और लहसुन को ऐसे कद्दूकस कर देना है। इसी तरह लहसुन को भी ऐसे कद्दूकस करके इसमें डाल देना है। अब मैंने एक बाउल में 2 कटोरी आटा छानकर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा जीरा ऐसे क्रश करके डालना है। और जो हमने ये पत्ते काटे थे वो इसमें मिला लेने हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाना। मैंने 1 चम्मच इसमें नमक मिलाया है। थोड़ा सा हल्दी। अब इन्हें आपस में ऐसे मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाना है। ना तो टाइट बनाना है और ना ज्यादा ढीला बनाना है। अभी मैंने डो तैयार कर लिया है। इस तरह से ये डो तैयार करना है। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक बड़ी सी लोई लेनी है और उसे ऐसे गोल करके हाथ से ऐसे थोड़ा चपटा कर दें और फिर इसे आटे में डुबाकर और इसे बेल लेना है। इस तरह इसे बेल देना है, ना ज्यादा पतला करना है और ना ज्यादा मोटी रखनी है। इस तरह इतना मोटा रखना है। अब मैं इसे तल के बताती हूँ। चूल्हे में तवा रखकर गैस ऑन करनी है और थोड़ी देर इसे गर्म होने देना है। तवा गर्म हो गया है, अब इस रोटी को इसके ऊपर ऐसे डाल दें। एक तरफ सिक जाएगा, फिर दूसरी तरफ पलटनी है। एक तरफ सिक गई है, अब मैंने ये दूसरी तरफ पलट ली है। दूसरी साइड भी जब सिक जाएगी तब इसमें घी लगाना है। अब इसमें हम घी लगाएंगे।
फिर रोटी को दूसरी साइड पलट कर इस साइड भी ऐसे घी लगा लें। आप चाहे तो रिफाइंड भी लगा सकते हैं। फिर दोनों साइड अच्छे से सेक लेने हैं। हमारी रोटी तैयार हो गई है। इसी तरह आप और परौंठे भी बना सकते हैं। इसी तरह आप सारे परौंठे बनाकर तैयार कर लीजिए। ये हमारी थाली तैयार हो गई। ये गुड़, परौंठा, अचार, हरी चटनी और ये चाय, गुड़ वाली चाय। तो दोस्तों आप भी बनाकर देखें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।